तो घर से ना देखो मूली आई और कितनी मोटी मोटी। यहाँ पे तो गर्मी शुरू हो गई है। ये दिखाना चाहिए, देखो मुझे ना गंजापन हो रहा है। ये आई है, मुझे उल्लू बनाया है और मैं आपको ना कुछ दिखाती हूँ। हाँ जी नोनू, क्या बना रही हो आज? ये हो मेरे रिव्यू वाले। मेरे पास बीरेन जी के फोन में लॉक लग गया। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की मॉर्निंग कुछ ऐसी, अब दिल्ली में ना थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है और इन कबूतरों ने बहुत गंदगी मचाते हैं यार। ये और ये देखो मेरे पालक, हम मिर्च, पता नहीं इससे बड़ी होगी या नहीं होगी क्योंकि पुदीने का साइज भी नहीं बड़ा। यहाँ की रेत वाली मिट्टी है ना, बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। वैसे ही मैंने यहाँ लहसुन भी लगाया हुआ है। तो आज की मॉर्निंग है कुछ ऐसे, चलते हैं अपने काम की तरफ। तो गाइस अभी मैं आ गई किचन में, मैं बना रही परांठे, मेथी के परांठे। रात को ही मैंने ना मेथी वो करी हुई थी, तो घर से सासू मम्मी ने मेथी दी हुई थी, तो मैंने सोचा इसके परांठे बना लूँ। कल रात को ही मैंने आलू मेथी सब्जी बनाई थी, लेकिन ये जब से मैं ब्रेकफास्ट रेसिपी डाल लूँ तब से मुझे समझ ही नहीं आता अब मैं और क्या डालूँ। और इतना कुछ मतलब रोज़ सुबह क्या क्या बनाऊँ मैं नया नया, तो कभी मैं कभी सोच सोच के बीच बीच में डालती रहती हूँ। पर आज हमें रेंजी को ऑफिस जाना है तो मैंने मेथी के परांठे बनाती हूँ क्योंकि हरी चटनी है और चाय बना दूँगी साथ में। तो चलो अभी शुरू कर। तो यहाँ अभी मैं बना रही हूँ उनका जीरा पानी, क्योंकि वेट लूज़ करने के लिए ये मैं इनको डेली एम्प्टी चम्मच दे देती हूँ। हाँ जी नोनू, क्या बना रही हो आज? अरे मैं परांठे बना रही हूँ। तो ना कई लोग पता क्या सोचते हैं, जैसे कि मैं तुम्हारे बारे में कहती रहती हूँ ना कि परांठे हैं, परांठे बना रही हूँ मैं वेट लॉस के लिए। अच्छा। तो दिखाओ, बिल्कुल कम ऑयल, बिल्कुल कम बटर में बनाती हूँ तुम्हारे, बिल्कुल सूखे से परांठे बनाती हूँ। अच्छा। और एक ये जो ये जीरा पानी, पानी भी मैं, तुम एमपी चमक लेते हो ना, खुद ही बता दो। हाँ हाँ, तुम मेरे हेल्थ का तो काफी ध्यान देती हो, खुद ही फ्रंट में आके बता दो। हाँ। बता दो तुम खुद ही कि जीरा पानी तुम एमपी चमक पीते हो ना। हाँ यार, तुम ध्यान तो बहुत देती हो मेरा, ऐसी बात नहीं है। जीरा पानी क्लियर कर दो, इन्हें लगता है कि मैं तुम्हें परांठे खिलाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, और फिर ऊपर से ये जीरा पानी दे रही होती हूँ। मैं परांठे बहुत सूखे बनाती हूँ और घर से मेथी आई थी तो मैं उसके परांठे बनाए हैं आज। और बटर भी मैं बहुत कम लगाती हूँ, बहुत ही कम लगाती हूँ। जीरा पानी और उसमें हम दो बूंद नींबू निचोड़ देंगे। थोड़ा सा गिर गया यार, अभी कोई आ गया था ना गेट पे। अच्छा। तो अभी तुम इसे पी लो, फिर इसके बाद ये जैसे पूजा करेंगे, टाइम टेकिंग है, मतलब थोड़े बहुत देर बाद खाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट बहुत देर बाद करेंगे, तो ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस दिन ना बीरेन जी टिफ़िन नहीं ले जाते ना, उन्हें फील्ड में जाना होता है, उस दिन वो टिफ़िन नहीं ले जाते, तो मैं उन्हें फ्रूट बॉक्स तो ज़रूर दे देती हूँ कि कुछ तो खा लें, क्योंकि फील्ड में वो टिफ़िन नहीं खा पाते ना, इसलिए मैं ये दे देती हूँ। तो अलबो अचार कैसा लगा? मैंने अचार रेसिपी डाली ना जो पहले, तो तुम ही हो मेरे रिव्यू वाले। मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है। बताओ अचार अच्छा बना ना? शानदार शानदार। समझ भी आया किस किस चीज का? हाँ, अदरक का था और लहसुन का था और मिर्च का था, सब समझता हूँ मैं, खा मैं रहा हूँ तो मैंने समझा। हल्दी, अदरक, खारी मिर्च, लहसुन का मैंने मिक्स दे दिया था ना, मैंने खा लिया। ज्यादा सारे सारे इंग्रेडिएंट तो नहीं बता सकता, लेकिन मोटा मोटी बताया। पर अच्छा बना था ना, इनको विश्वास दिलाओ कि हाँ अच्छा बना है। नहीं अच्छा बनाती हूँ, काफी लोग बोलते हैं आप अच्छा खाना बनाती हो करके, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू थैंक यू। तो हे गाइस, अभी जाके बीरेन जी गए हैं, अब मुझे टाइम लगा अपना चाय दूध पीने का। तो हे गाइस, रोज़ की तरह मैं पहले ऑयल लगा लेती हूँ, आज मुझे हेयर वॉश करना है ना अपना, तो मैं अभी ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करूँगी, जैसे नहाने जाना होता है ना, तो थोड़ी थोड़ी बहुत करती हूँ। पर मैं आपको ना ये दिखाना चाहती हूँ, मुझे ना गंजापन हो रहा है, ये पता नहीं क्यों हो रहा है यार, ये देखो दिख रहा होगा ना, पता नहीं मुझे, मेरा ना बहुत हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा।
अभी जब गर्मी आएगी वैसे ही वर्निंग नहीं हो पाती, तो मैं सोचा अभी ठंड में भरपूर कर लूँ क्योंकि फिर गर्मी लगती है। पर यार अगर आप लोगों के पास कुछ इस गंजेपन के लिए देखो सॉल्यूशन है कुछ, ये इस साइड तो मेरा वो बचपन का है, मैं बचपन में होता था बॉय कट मेरा, तो इस साइड वो ऐसे मांग निकालते थे ना इस तरह से, तो ये वाला तो उस तरह से है लड़कों के जैसे ये वाला, बट बहुत ज़्यादा। पर मुझे फिर भी बहुत हो रहा है यार गंजापन, कुछ बालों के लिए सॉल्यूशन है तो दो मुझे। पता नहीं आपको होता होगा, ये आप सबको तो क्या होगा भाई, जहाँ ये मांग भरते हैं ना, यहाँ मुझे यहाँ लग रहा है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं यहाँ, ये पता नहीं कैसा होता है यार सिंदूर ना, ये एरिया में मुझे बिल्कुल मेरी जो मांग है ना ये वाइड सी हो गई है, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये पता नहीं ये जो सिंदूर होता होगा ये क्या होता होगा, इसमें ऐसा केमिकल, इसकी वजह से तो नहीं कहीं मेरे बाल झड़ रहे। तो मैंने थोड़ा सा ही तेल लगाया जस्ट लिटिल बिट, थोड़ा सा स्कैल्प जो ड्राई हो रहा था उसको थोड़ा मैंने वो कर दिया, क्या नाम, ऑयलिंग कर दिया। अब मैं थोड़ी देर से रहने दूँगी फिर नहाने जाऊँगी। तो हे गाइस अभी मैं गैलरी में जा रही हूँ, तो देखो आपको दिख ही रहे होंगे कितनी धूल है इस भी, देखो कितनी धूल है ना, और ये डेली हो जाती है, ये देखो वाइट ही दिख रहे हैं ना, तो इसके लिए मैं इनको थोड़ा क्लीन करती हूँ इस तरह से। और ये वाला तो मेरा सूख ही गया, ये देखो इसको मैं निकाल ही लेती हूँ, और देखना कितना कलर चेंज हो गया ना, फिर भी प्लांट्स की केयर करनी पड़ती है आपको, देखो मिट्टी गिर रही है इनसे, ये ना देखो ये है कुछ ना, तुलसी को ये काट रहा है, और भी पौधे हैं इसके ऊपर से ही काट देता है उसको ये, यार ये पता नहीं कौन सा पौधा है, मुझे लगा था ये मोगरा है, पर इसमें आज तक फूल नहीं आया। एक इस चीज़ का पौधा है ये, आपको पता हो तो मुझे बताना, और इसमें फ्लावरिंग लानी हो तो क्या कर सकते हैं, मोगरा समझ के लिया है ये, मुझे उल्लू बनाया है ये, मैं घर से एलोवेरा लाई थी ना, तो जो इसकी ये एक्स्ट्रा ये मुझे काटनी है, जैसे ये है काटना है, नहीं तो ये नया नहीं आएगा। तो हे गाइस मैं नहा के आ गई हूँ जस्ट पता नहीं मेरे गले में आजकल क्या खिचखिच, मैं थोड़ा सा भी घी खाती हूँ ना मुझे वो गले में खिचखिच करने लग जाता है, और पहले मैंने इतना घी खाया, अब पता नहीं क्या हो जाता है कि थोड़ा सा घी खाओ खिचखिच होने लग जाती है। तो मैं जस्ट नहा के आ गई हूँ, अभी मैंने हेयर वॉश कर लिया है, इसके बाद चलते हैं लंच बनाते हैं और देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना कबूतर है, ये देखो जो उधर बैठे हैं ना कबूतर, ये ना कब से बैठे हैं, मेरे ख्याल इन्होंने घर बना दिए हैं यहाँ पे, तो मैं इनको रोटी दे देती हूँ बेचारे को। तो यहाँ मैं रोटी लाई हूँ, मैं दे देती हूँ इनको रोटी। ओह शिट उड़ गए, ये तो मैंने सोचा इनको रोटी दे दूँगी, ये डर के हमारे उड़ गए, दूर थी ना गैलरी में फेंकती भी कैसे। तो ना मैं अभी बनाने कुछ सोच रही हूँ कि कुछ करूँ आज, ये ना घर से मूली आई है, हम अभी घर गए थे ना, और मैंने घर के भी व्लॉग बनाए थे, वो वीरेन जी का फ़ोन में लॉक लग गया, लॉक ठीक करने के चक्कर में वो गए उसे सही करवाने, वो भूल गए अपना लॉक, तो वो सर्विस सेंटर गए और वो सारा डाटा क्लीन हो गया, और मेरे सारे व्लॉग साफ हो गए यार, मैंने इतना डांटा ना उनको, भूल ही गए यार वो, क्या ही बोलूँ मैं। तो घर से ना देखो मूली आई, और कितनी मोटी मोटी मूली है, और इतना बैग भर के, तो अगर मैं ऐसे ही रखूँगी तो ये मूली मतलब वो हो जाएगी, वो नहीं जाती आजकल ख़राब हो जाती है, तो मैंने सोचा मैं इसका भी अचार ही डाल देती हूँ, मुझे ना वेस्ट नहीं करना है, और ये पहाड़ी मूली है बहुत अच्छी है, देखो किस तरह से होते हैं ना जैसे शलगम है रेड रेड रेड, ये कहते हैं कि खाने में बहुत टेस्टी होती है, मीठी होती है, अच्छी होती है, तीखी नहीं होती है। तो मैं इसका थोड़ा अचार डालूंगी, थोड़ा मैं खाने में रखूंगी, थोड़ा सा
मिक्सचर चाट डाल रही हूँ मैं, वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था लेकिन अब डाल रही हूँ। मैंने गाजर गाजर भी लिया है और थोड़ी सी गोभी, एक गोभी, तो मिक्स जैसा अचार डाल देती हूँ, ये यूज़ भी हो जाएगी, अचार भी बन जाएगा। तो चलो देखो यार ये कितनी मोटी, ऐसे लग रहा है हाथी का दांत है, किस तरह की है ये, ओह माय गॉड, देखो तब मोटी मोटी, ओएमजी। और किस कलर की है ना, देखो मैंने मूलियाँ आज तक ऐसे वाइट देखी है, मतलब इस तरह की मूली देखी है मैंने, और ये तो बहुत ही अलग है यार। मैं इसको ना टेस्ट करके बताती हूँ आपको, देखा ना किस तरह, ये तो दो लगेगी सिर्फ और मेरा डिब्बा भर जाएगा अचार का। मैं ना टेस्ट करती हूँ, देखो ये होती है गांव की बिना खाद की, गोबर वाले खाद की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, ये ताई जी ने दी हमारे, हम गांव गए थे ना थोड़ी देर के लिए गए थे जस्ट। मीठी है और ना जैसे होती है ना तीखी, वो नहीं है, अच्छी है, शलगम नहीं होते जैसे, उसके जैसे लग रही है, शलगम दिखने में भी तो वैसी है, शलगम का जैसा कलर, पर ये मूली है। चलो बनाते हैं इसको। मेरी बड़ी बहन की शादी बहुत जल्दी हो गई, जल्दी मतलब उसके अकॉर्डिंग तो सही हो गई, पर मैं उस टाइम छोटी होती थी तो मैं उसके घर जाती थी, और मेरी बहन रेनू भी जाती थी, छोटी बहन मेरी चाचू की लड़की, तो वहाँ हमने ना उसके जो ससुर है ना वो बहुत अच्छा खुद से अचार डालते हैं, वो बहुत डिलीशियस, मतलब इतना अच्छा अचार डालते हैं ना, तो उन्होंने एक बार बनाया था, उन्होंने मतलब मूली गाजर और गोभी का मीठा खट्टा मीठा अचार था, वो इतना टेस्टी था ना, इतना टेस्टी, उसके बराबर मैंने आज तक नहीं खाया है। होता है ना कई बार कि कुछ टेस्ट ऐसे होते जो आप भूले नहीं भूलते, वो उनमें से हैं, तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि उसके जैसा बन जाए। वैसे मैंने गाजर मूली का अचार मैंने कभी पहले डाला नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी कि अच्छा बन जाए। मैंने सोचा मैं शेयर कर दूँ आपके साथ भी मेरी स्टोरी, तो अभी मैं इनको काटूँगी और इसे धूप में डालूँगी, बस सुखाऊँगी। तो अभी अचार की तो मैं स्पेशल रेसिपी डालूंगी, क्योंकि ये तो व्लॉग में बहुत बड़ा हो जाता है, तो अचार मैं स्पेशली डालूंगी, इसे यही वो करती हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ बता दूँ आपको कि मैं अचार डाल रही हूँ। इसे तो बनने में भी टाइम लगेगा, इसको तो स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं, आप स्पेशल वीडियो ज़रूर देखें। तो हे गाइस, अभी मैं थोड़ा लंच कर लेती हूँ, मैं थोड़ा टीवी भी देख रही हूँ, और मैं ना आपको ये दिखाना चाह रही थी, दिखाती हूँ। तो ना एक वैदू घर की एक बच्ची है उत्तराखंड की, वो ना इतना अच्छा सैलेड खाती है ना, जैसे ये मूली और ऐसे ग्रीन चटनी, ये शायद उत्तराखंड में खाते हैं ऐसे करके, वो ना घर की चीज़ें खाती है, बहुत क्यूट बच्ची है यार, बहुत फेमस है, वैदू बोलते हैं उसको, वैदू वैदू पता नहीं पूरा क्या है, मुझे एक दिन अचानक से फेसबुक पर दिखी, इतनी प्यार से हाथ से खाना खाती है ना, इतनी छोटी सी बच्ची है ना, बहुत क्यूट है, तो मैं भी आज उसकी तरह कॉपी कर रही हूँ। अगर वो मैं मुझे देखे तो वैदू मैं भी तुम्हारी तरह मूली और चटनी खा रही हूँ मिला के। तो गाइस अभी मैं रेडी हो रही हूँ थोड़ा मार्केट जाने के लिए, थोड़े से ना कपड़े देने हैं स्टिचिंग के लिए, और थोड़े से ग्रॉसरी भी लेना है, तो चलो आपको भी दिखाते हैं क्या क्या करते हैं। मैं जस्ट ऐसे ही कंगी भी नहीं कर रही निकल रही हूँ, क्योंकि वो तो मैं का ग्रॉसरी सामान ज़रूरी है, तो अभी जा रही हूँ, तो चलो आप भी चलो मेरे साथ। मैंने लिए मिठाई निकाली थी पर मैं खा नहीं पाऊँगी, अब रखती हूँ फ्रिज में। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा सामान लेते हैं, और मैं आपको ना कुछ दिखाती हूँ। ये ना मैंने अभी ली थी पायलें, मेरी पायलें टूट गई थी ना, तो मैंने सोचा एक ऐसे ही विजयन जी ने बोला कि ले लो टूट गई है, तो मैंने ये ली, अच्छी है ना, विजयन जी ने दिलाई मुझे, अच्छी है ना। अभी हम आ गए हैं पार्किंग में, अभी चलते हैं रिलायंस स्टोर में, तो वहाँ ग्रॉसरी का सामान लेना है, और रेंज की भी रेल बन गई है अभी। हाँ
ऑफिस से भाग भाग के आए और मेरे साथ ग्रोसरी के लिए आना पड़ रहा है, क्योंकि ज़रूरी हो रहा था ग्रोसरी लेना भी। क्या करें भाई, 8 बज गए हैं, आना तो पड़ेगा ही। हाँ तो चलो चलते हैं फटाफट ग्रोसरी लेते हैं, नहीं तो मॉल भी बंद हो जाता है। चलो हाँ जी ना? हाँ जी, लोअर ग्राउंड। ये हम पहुँचे अपने रिलायंस स्टोर। येलो ले लो। तो गाइस देखो बेडशीट कितनी अच्छी अच्छी लगी, 349 की कॉटन की है ये। थोड़ी गर्मी शुरू हो गई तो मैं लूंगी बेडशीट्स। वैसे तो विंटर के हैं अभी, या विंटर के लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है, पर ये न्यू अराइवल में ये अच्छी लग रही है। मज़ा नहीं आ रहा आज कुछ। और मेरे पति को देखो, पति परमेश्वर जी एज ऑलवेज फ़ोन में बेचारे, इतना मेहनत करते हैं ये देखो, क्या ही बोलो। तो चलो अभी चलते हैं, मुझे बाकी कुछ ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। ये मेरे फेवरेट, ये भी ले लिए मैंने। ₹49 ब्रोकली, 89 क्या रेट चल रहे, देखो सड़ा हुआ है। तो अभी मैंने यहाँ से ले लिया पूजा का सामान, मैं यहीं से लेती हूँ इस शॉप से, अपने जानने वाले हो गए हैं। फाइनली मेरे बंदे का नहीं, मेरे हस्बैंड का फ़ोन देखो भाई, पूरी शॉपिंग करते ये फ़ोन नहीं छोटा। हाँ तो वो दिखी नहीं रही मैं, तो इतना सामान तो हम ले आए। गाइस अभी हमने ऑर्डर करे हैं कुलचे और पानी पूरी, यहाँ की फेमस है पानी पूरी। खाना खा के हम आ गए, अब जा रहे घर की तरफ। वो तो सिलाई वाला तो बंद हो गया होगा ना लगभग। हाँ यार अब तो बंद ही होगा, लेट हो गया हम लोग, 9:30 हो गए। 9:30 हो गए, वो शायद 9 बजे बंद हो जाती है वो मार्केट, तो अभी घर ही चलते हैं। पेट भर गया? हाँ हाँ आप बताओ। ये तो भर गया, मैं क्या क्या जाएँ घर पर क्या खाएँ, यहीं खा लेते हैं, घर पर जाके बनाना पड़ेगा। चलो चलते, इतना सामान अभी सही भी करना है। तो फाइनली अब हम घर में पहुंच गए इतना सामान लेने के बाद। अब मैं व्लॉग को एंड करती हूँ यहीं, मिलते हैं नए व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते यार, लाइक भी कर दो और कमेंट भी कर दो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी आपको। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टाटा बाय बाय। थक गए अभी, बहुत थक गए, बाय।